स्टूडेंट्स, अब हम 10th क्लास का चैप्टर 5 शुरू करने लगे हैं। आपकी बुक मैथ का चैप्टर 5 शुरू करने लगे हैं, जिसका नाम हिंदी में समांतर श्रेणियां है और इंग्लिश में इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी वो श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है। एक ऐसी श्रेणी जिसमें हर दो क्रमागत पद का आपसी अंतर समान होता है। इंग्लिश में क्या इसकी डेफिनेशन बोलती है, एन एपी इज ए सीक्वेंस ऑफ ए नंबर। वही मतलब हो गया कि एपी नंबर्स की वो सीक्वेंस है, सच डैट डिफरेंस ऑफ एनी टू सक्सेसिव मेंबर इज कांस्टेंट, कि हर दो सक्सेसिव मेंबर्स या सक्सेसिव नंबर्स में आपसी जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट मतलब सेम है। फॉर एग्जाम्पल, एक सीरीज ले ली 2, 4, 6, 8, ये सो ऑन टू चल रही है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, 4 में से 2 गए, 2 आ गए। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, 2 आ गए। इन दोनों का डिफरेंस देखो, 2 आ गया। तो हर एक क्रमागत पद बोलो या इंग्लिश में सक्सेसिव मेंबर बोलो, हर एक मेंबर्स का, हर एक सक्सेसिव टू सक्सेसिव मेंबर्स का आपसी डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ऐसी सीरीज को क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। अब मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एपी सीरीज, मैथ में समांतर श्रेणियां कैसी होती हैं, ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, सो ऑन। अब ए क्या है, ए आपके पास है पहला पद, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। डी आपसी अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस। जो ए होता है सीरीज का वो पहला पद होता है जिसको हम ए वन से लिखते हैं। ए प्लस डी सीरीज का दूसरी टर्म होती है जिसको हम ए टू लिखते हैं। ए प्लस टू डी ए थ्री के बराबर होता है जिसको हम तीसरा पद बोलते हैं। ए प्लस थ्री डी ए फोर के बराबर होता है जिसको हम चौथा पद बोलते हैं। ऐसे ही पांचवा छठा पद आता जाता है। मतलब क्या मतलब बना, ए वन ए के इक्वल होता है, ए टू ए प्लस डी के इक्वल होता है, ए थ्री ए प्लस टू डी के इक्वल होता है, ए फोर ए प्लस थ्री डी के इक्वल होता है, सो ऑन। जनरल टर्म क्या इसकी बनती है, ए प्लस एन माइनस वन डी। मतलब एंथम टर्म ऑफ सीरीज किसके इक्वल होती है, ए प्लस एन माइनस वन डी। स्टूडेंट्स, अब हम एपी सीरीज के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1, 2, 4, 6, 8, ये एक सीरीज है, कहता है बताओ ये श्रेणी समांतर है या नहीं। इंग्लिश में ये 2, 4, 6, 8 इज एन एपी और नॉट, की ये सीरीज एपी है कि नहीं है। अब सॉल्यूशन क्या कहते हैं, सीरीज लिख ली तो सीरीज की पहली टर्म मतलब इसको कैसे डोनेट करते हैं, ए वन से, सीरीज की दूसरी टर्म को ए टू से, सीरीज को तीसरी टर्म को ए थ्री से, सीरीज की चौथी टर्म को ए फोर से। अब डिफरेंस कैसे निकलता है, डिफरेंस निकलता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 माइनस 2, 2, फिर देन थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। क्यों, क्योंकि मेरे को पता है सीरीज को अगर मैंने एपी बताना है तो क्या होना चाहिए, इन सभी सक्सेसिव मेंबर्स का जो आपसी डिफरेंस है, आपसी अंतर है, वो समान होना चाहिए, इसलिए मैंने ये सभी का आपसी अंतर निकाला। अब आप देख रहे हैं कि हर एक सक्सेसिव मेंबर्स का आपसी अंतर समान आ रहा है, 2, 2 समान आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डी समान है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसलिए दी हुई श्रेणी कौन सी होगी, समान श्रेणी होगी, डी इज सेम, सो गिवन सीरीज इज एपी। स्टूडेंट्स, हुन असी चैप्टर नंबर 5 थी एक्सरसाइज 5.1 का दूजा सम करन लगे हैं। इस एक्सरसाइज का पहला सम नहीं करना। दूजा सम की कहता है, दी हुई एपी के प्रथम चार पद निकालिए जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। दित्ती हुई एपी दे पहले चार पद लिखो जबकि पहला पद ए अते आपसी अंतर डी निम्नलिखित है। तानू सेकंड सम दे चार पार्ट दिते है, पहला दूजा तीजा चौथा, जिसका मैं तुहानू पहला पार्ट करवाण लगी हां, बाकी दूजा तीजा चौथा पार्ट तुसी खुद करना है। की कहिंदा है कि तुहानू एक एपी सीरीज दिती है जिसका पहला पद ते उहनां दा आपसी अंतर दिता होया है, तुसी की निकालने इस एपी दे पहले चार पद। हुण देखो,
हमारे पास साढ़े कोल की है, ए दस है डी दस है। मैनू पता है कि पहला पद किदे इक्वल हुंदा है ए दे, ए दी वैल्यू की दित्ती हुई है दस, एदा मतलब पहला पद किसके बराबर आ गया दस दे। हुण दूजा पद किदे इक्वल हुंदा है ए प्लस डी दे, ए दी वैल्यू की सी दस, डी दी वैल्यू की सी दस, दस प्लस दस वी कर वी आ गया, ए मेरे को निकल आया दूजा पद। फिर तीजा पद ए थ्री और किदे बराबर हुंदा है ए प्लस टू डी दे, ए दी वैल्यू दस, दो गुना डी, डी दी वैल्यू दस, दो गुना दस वी, वी प्लस दस ती। ऐसी तरह चौथा पद हुंदा है ए प्लस थ्री डी दे, ए की आ गया साढ़े को दस प्लस तीन गुना दस, तीन प्लस दस ती, ती प्लस दस चाली। स्टूडेंट्स 5.1 का तीजा सम की कहता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक ए बी के लिए प्रथम पद और तथा सार अंतर लिखिए। निम्नलिखित विचो हर एक एपी दे लई पहला पद अते आपसी अंतर या समान अंतर पता करो। तुहानू ए पहले दूजे तीजे चौथे समच एपी दित्ती हुई है, तुसी एना दा पहला पद अते एना दा आपसी अंतर निकालना है, मतलब समान अंतर निकालना है। इसे चार पार्ट ने जिन्हां विच मैं तुहानू पहला पार्ट करवान लगी हां, बाकी तीन पार्ट तुसी खुद करने हैं, सेम पहले पार्ट दे समान ही हगे ने। सोल्यूशन देखो पहले पार्ट दा, सानू की दित्ता है, सानू एक एपी दित्ती है इस तरह 3 1 -1 -3, ए चलदी पई है। पहला पद किदे बराबर हुंदा है ए वन दे, दूजा पद ए टू दे, तीजा पद ए थ्री दे, चौथा पद ए फोर दे। हुण पहला पद सानू पता ए वन ओदी वैल्यू आ गई तीन, हुण असी की निकालना है इन्हां दा आपसी अंतर, ओह किवें निकलदा है, दूजा पद माइनस पहला पद, दूजा पद की सी वन माइनस थी, छोटी विचो वड्डी रकम माइनस हो रही है इसलिए माइनस टू आया। ऐसी तरह फिर तीजा पद माइनस दूजा पद माइनस वन, ए थ्री की वैल्यू, ए टू की वैल्यू की माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो जाते नाल माइनस आ जाता है टू हो गया। फिर इसी तरह चौथे पद विचो तीजा पद माइनस करांगे, माइनस थ्री माइनस, क्योंकि नाल वन दे माइनस है तो ब्रैकेट विच लिखांगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस तीन प्लस एक वड्डी रकम चो छोटी रकम माइनस हो रही है माइनस दो, इसलिए पहला पद मेरे को की निकल आया तीन, ते आपसी अंतर की निकल आया माइनस दो। स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 5.1 का फोरसम करने लगे हैं, जिसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, निम्नलिखित में से कौन एपी है, आपको ये श्रेणियां दी हैं, देखो कि इनमें से कौन एपी है, यदि कोई एपी है, अगर इनमें से कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, इनका सार्वंतर निकालना है तथा इसके अगले तीन पद निकालने हैं, अगले तीन और पद निकालने हैं। बच्चे फोर्थ के 15 समय जिसमें से मैं आपको पहले दो पार्ट करवाने लगी हूँ, बाकी के जो बच्चे पार्ट है वो आपका घर से होमवर्क है, मैं फोर्थ सम के आपको पहले दो पार्ट करवाने लगी हूँ, बाकी के बच्चे सम आपका होमवर्क है। तो बच्चे देखो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, ये आपको एक श्रेणी दी हुई है 2 4 8 16 ऐसे चल रही है, अगर तो कहता है ये पहले चेक करो ये श्रेणी एपी है कि नहीं है, अगर तो ये श्रेणी कहता है एपी आ जाती है, इसके अगले तीन पद मतलब ए फाइव ए सिक्स ए सेवन निकाल लो, ठीक है। तो एपी कब होगी, जब इनका आपसी सार्व अंतर समान होगा, तो सार्व अंतर निकालेंगे डी, दूसरा पद माइनस पहला पद, चार में से दो गए दो, फिर तीसरा पद माइनस दूसरा पद आया 8 - 4 4, फिर चौथा पद माइनस तीसरा पद 16 - 8 = 8 आया, मतलब कि हमारे पास डी समान नहीं है, डी समान नहीं दिता है, तो जो डी समान नहीं होंगे तो दिती हुई श्रेणी एपी नहीं होंगी, तो जे एपी नहीं हैगी तो असी इन्हों का अगले तीन टर्म्स भी नहीं निकालनिया। बच्चे हम फोर्थ का सैकेंड पार्ट देखो, तो हमें एक श्रेणी दिती है, ए चेक करना है कि एपी है कि नहीं है, जेकर ते एपी है तो सानू दी पहली चार पद दिते हैं, अगले तीन पद मतलब ए पांच ए छे ए सात निकालना है, सार अंतर निकाल लांगे, पहले दूजे पद माइनस पहला पद 5/2 - 2, जो कुछ नीचे नहीं दिता हों तो मतलब वो नीचे एक होंगे, एलसीएम दिता 5 क्रॉस मल्टीप्लाई की 1 - 5 = 2 - 2 = 4, 5 × 4 = 1/2, ऐसी तरह बच्चे तीजा पद माइनस दूजा पद इन्हू सोल्व करके भी मेरे को 1/2 आया, ऐसी तरह चौथा पद माइनस तीसरा पद इन्हू भी सोल्व करके मेरे को 1/2 आया। हर वारी सार्व अंतर डी समान निकलता पे, तो मैनू पता है जो किसी श्रेणी का सार्व अंतर समान निकल जाए तो दित्ती श्रेणी एपी होंगी है। हुण असी उस तो बाद बच्चे अगलिया तीन पद निकालने ने, मतलब ए फोर तक सानू दिता है ए पांच ए छे ए सात, ए पांच का फॉर्मूला होंगे ए फोर प्लस डी,
ए फोर की वैल्यू बच्चे सानू दिती हुई है 7/2 सारवंतर मतलब डी साढ़े को प्लस 1/2 दो का एलसीएम लिता 7 + 1 8 8 दो नू 4 ते कटदा वा इसी तरह ए 6 ओ हुंदा है ए 5 + डी ए 5 साढ़े को 4 प्लस डी 1/2 एलसीएम लिता 4 × 2 8 8 + 1 9/2 इसी तरह असी ए 7 का फॉर्मूला लगाया तो साढ़े को ए 7 की वैल्यू आ गई।